प्लानिंग और प्रूनिंग में क्या डिफरेंस होता है? मानव और पौधा बिना डिसिप्लिन के जंगली प्रकृति के ही होते हैं। तो पेड़ को प्रारंभिक अवस्था से ही कांट छांट करते हुए फ्रेमवर्क यानी ढांचा यानी स्ट्रक्चर प्रदान करना ट्रेनिंग कहलाता है। या फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर का मतलब होता है साइज यानी आकार से, शेप यानी आकृति से और स्ट्रेंथ यानी मजबूती से। साइज देने का मतलब है कि ऐसा साइज दिया जाए ताकि अपने को अधिक से अधिक उपज मिले। शेप ऐसा दिया जाए कि उसमें वेंटिलेशन प्रकाश का और हवा का प्रॉपर बना रहे, जिससे फ्रूट क्वालिटी वाले भी मिले और तेज हवा से क्या है पेड़ अपना टूटे नहीं, क्योंकि हवा पार हो जाएगी तो पेड़ टूटेगा। मजबूती स्ट्रेंथ का मतलब है कि फल ज्यादा लगने की वजह से पेड़ अपना टूटे नहीं और हवा के दबाव से पेड़ टूटे नहीं। पर इन उद्देश्यों से जो कांट छांट होती है उसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग। और आपसे पूछ ले कि ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या, आप बोलोगे फ्रेमवर्क यानी ढांचा या स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना। वहीं पे प्रूनिंग क्या है, आपने किसी पेड़ को अगर फ्रेमवर्क दे दिया है, ढांचा दे दिया है, उसके बावजूद भी अब उसके पूरे जीवन काल तक उसमें कोई ना कोई अवांछनीय शाखाएं आ जाती है, या जो पहले से मजबूत है वो अवांछनीय हो जाती है, जैसे कोई टूट जाती है, कुछ लटक जाती है। तो इन अवांछनीय शाखाओं को तमाम उम्र हटाते रहना क्या है, प्रूनिंग है। और प्रूनिंग का उद्देश्य होता है प्रूटिंग फंक्शन को बेहतर बनाए।